करीब 400 साल पुराने ऐतिहासिक शहर नाहन में आज भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन से शुरू हुए विशाल रथ यात्रा पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए वापस ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में पहुंची। इस दौरान पूरा शहर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए यहाँ हर कोई उत्सुक नजर आया। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मीडिया से बात करते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के अध्यक्ष प्रकाश बंसल ने बताया कि उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 2 साल सिर्फ औपचारिकता ही निभाई गई, मगर इस बार धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमारे नाहन नगर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन, ये 14वीं रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। पिछले 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो सका, लेकिन फिर भी रस्म व रिवाज अदा करने के लिए 2 वर्ष हमने गुप्त रूप से परमिशन लेकर उस कार्य को किया ताकि रिदम बरकरार रहे। तो आज ये 14वीं रथ यात्रा हमारे नगर में निकल रही है और देखिए प्रभु का किस्मा कि सारी रात इंद्र महाराज अपना इंद्र बरसाते रहे और जब प्रातः काल में 8:15 बजे पूर्ण आहुति जगन्नाथ मंदिर में होनी थी तो अपना धूप खिलाते रहे। ये है हमारे इस सिद्धपीठ का खेल। भारतवर्ष में आपको विदित है कि 2 सिद्धपीठे हैं, एक पुरी जी में, एक नाहन में। आज हजारों की तादाद में यहाँ पर भक्तजन आते हैं और आने वाले समय में हम हो ना हो इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु हर हालत में नाहन में आएंगे। और अब हम 5 तारीख से लेकर 1 तारीख तक लगातार घरों घरों में जगन्नाथ जी की प्रभात फेरी का आयोजन कर रहे थे। इस बार उत्साह इतना देखा पहली बार कि एक एक दिन में एक एक निवास पर 6-6 निवास पर अपना इसका आयोजन किया गया है। जनता में अब प्रतिदिन मतलब एक उत्साह बढ़ रहा है भगवान जगन्नाथ की इस पीठ के बारे में। तो धीरे धीरे जगन्नाथ जी कछुए की चाल चलते हुए नाहन नगर में अपनी प्रभात फेरी को पूरा अंजाम देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जो नास्तिक लोग हैं उनको भी जगाएंगे। ये प्रभात जगन्नाथ जी की यात्रा तक का मतलब ही यही है कि जो नास्तिक लोग तेरे दरबार में भी नहीं आ सकते, मैं उनको दर्शन देने के लिए सड़क पर आ रहा हूँ। ये जगन्नाथ यात्रा का मकसद है। तो इसलिए आज हमारे शहर में ये बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है और इसमें सारे धर्म मिलकर, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम अपना मोहम्मदन हैं, सारे धर्म आप अपने उसके आगे इस कार्य को बड़ा अंजाम देते हैं।